5 फरवरी 2022 है, लिख लो छपेगा, क्या छपेगा 2022 में आपका जो भी एग्जाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण है। एक तो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक है स्टैच्यू ऑफ पीस है, और तीसरा कौन सा है, तीसरा आ गया दोस्तों स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। आइए बात करें स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है, क्या स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है दोस्तों, पहला पॉइंट तो आप फोटो देखिएगा, पहला पॉइंट फोटो देखिएगा, यह है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको, ये देखिए यह है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। पहला पॉइंट तो कहां स्थित है, तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद, कहां दोस्तों हैदराबाद में इसका 5 फरवरी 2022 को इनॉग्रेशन है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है करने वाले। अगला क्वेश्चन, कितनी ऊंचाई है, 216 फीट, कितनी है 216 फीट इसकी दोस्तों ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे ये किसकी दोस्तों प्रतिमा है, संत रामानुजमाचार्य, क्या संत रामानुजम जो चार्य दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा इनकी ये प्रतिमा है, किसकी है, संत रामानुजाचार्य जो है इनकी दोस्तों प्रतिमा है, 216 फीट ऊंचाई पर है, 5 फरवरी 2022 दोस्तों इसका इनॉग्रेशन होगा। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो खर्चा आएगा 1000 करोड़, और सारा की सारा पैसा जो है दान से इकट्ठा किया जाएगा, किससे, दान से इकट्ठा होने वाला है। और अगर तुमसे पूछ ले कि भाई ये क्या लिखा है, सेकेंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैच्यू, मतलब दोस्तों बैठी हुई दूसरी प्रतिमा है विश्व की, क्या विश्व की बैठी हुई दूसरी प्रतिमा कौन सी है, वो है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। पहली कौन सी है, पहली ध्यान रखना थाईलैंड में दोस्तों भगवान बुद्ध, ये छाप के रखना। अगर आपसे पूछे बैठी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, थाईलैंड के अंदर स्थित है, और किसकी है दोस्तों, भगवान बुद्ध, किसकी है, भगवान बुद्ध। और सेकंड किसकी है, सेकंड है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। तो आइए नोट करते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछे स्टैच्यू ऑफ जो इक्वलिटी है, पहली बात तो इसका अनावरण कहां पर होगा, हैदराबाद, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे कब होने वाला है, 5 फरवरी 2022 को प्राइम मिनिस्टर साहब दोस्तों करने वाले। अगला क्वेश्चन, कितनी ऊंचाई है, 216 जो फिट है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा इसकी ऊंचाई है, कितनी है, 216 फिट। अगर आपसे पूछे कितना पैसा, 1000 करोड़ रुपया, और दोस्तों कहां से आएगा, दान के द्वारा इसे इकट्ठा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि विश्व की दूसरी, क्या विश्व की दूसरी बैठी हुई दोस्तों, बैठी हुई सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो ध्यान रखना वो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, सबसे ऊंची मूर्ति। पहली कौन सी है, पहली दोस्तों छापिएगा आप, पहली जो है वो है थाईलैंड के अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति, क्या थाईलैंड में दोस्तों भगवान जो बुद्ध हैं, इनकी जो बैठी हुई प्रतिमा है, ये दोस्तों सबसे ऊंची प्रतिमा। दूसरे स्थान पर कौन सी है, ये दोस्तों ध्यान रखना स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इक्वलिटी का मतलब क्या है, क्या इसका मतलब क्या है। एक्चुअली में दोस्तों जिसकी ये प्रतिमा है, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद करेक्ट आंसर है। मैंने कहा जिनकी ये दोस्तों प्रतिमा है, रामानुजा लिखना दोस्तों, संत रामानुजाचार्य, क्या संत रामानुजाचार्य जिनकी दोस्तों ये प्रतिमा है, इनका जो जन्म है वो कहां हुआ था, तमिलनाडु के अंदर, कहां तमिलनाडु में जन्म हुआ था, और इन्होंने किस चीज पर बल दिया है, तो ध्यान रखिएगा समानता पर बल दिया है, छुआछूत को समाप्त करने पर बल दिया है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा समानता छुआछूत पर समाप्त करना और भक्ति मार्ग जो है इनके ऊपर दोस्तों
इन्होंने बल दिया। इसीलिए इसका नाम क्या है, इसीलिए दोस्तों इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी। क्या है? स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी। इसीलिए दोस्तों इनका नाम है समानता। और छुआछूत को समाप्त करने पर दोस्तों इन्होंने बल दिया है। नोट करके रखना, छपेगा सवाल। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी हैदराबाद के अंदर स्थित है, 216 फीट की है दोस्तों, संत रामानुजाचार्य से संबंधित है। और अगर पूछे आपसे समानता छुआछूत समाप्त भक्ति मार्ग पर दोस्तों बल दिया गया है, 5 फरवरी 2022 को ये मूर्ति दोस्तों इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। और बैठी हुई दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है कौन सी, ये वाली प्रतिमा। और पहली कौन सी है, पहली ध्यान रखना दोस्तों, फर्स्ट है थाईलैंड। कहां की? अरे थाईलैंड की भगवान बुद्ध की प्रतिमा। इस क्वेश्चन को आप छाप लेना, कहीं ना कहीं आपको ये सवाल निश्चित दोस्तों मिलने वाला है।